मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। बीसवीं सदी की तीसरी दहाई जब नामुसाइद हालात और संगीन मसाइल से उलझ रही थी और आज़ादी के नारे बुलंद किए जा रहे थे, फिरंगी फौजियों की कमर टूट रही थी और हिंदुस्तान एक नए निज़ाम की तामीर की तरफ गामजन था। ऐसे पुराशोभ और पुरुम्मीद दौर में एक बच्चे ने मध्य प्रदेश के एक तहजीबी और तारीखी शहर भोपाल में जन्म लिया। इस बच्चे का नाम घर वालों ने सैयद गुलाम सैयदैन नकवी रखा, जिसे आज आलमी बिरादरी सईद नकवी के नाम से जानती है। एक बुलंद कामत सहाफी, दानिश्वर और एक दर्दमंद इंसान। सैयदैन वहीं भोपाल में वहीं पैदा हुए और ये जैसे हमने अभी बताया कि वो जैसे पैदा हुए वह थोड़ी देर के बाद इनको नहला वहला के लिटाया गया तो पहली आवाज़ सुबह अजान की इनके कान में आई और चौंक गए अजान की आवाज़ पे। उसके बाद इनको लपेट लपाट के हमारे भाई मोहम्मद मैदी जो थे वो उस वक़्त टीवी तो था नहीं, रेडियो, रेडियो पे सब सुनते थे रेडियो, तो रेडियो को पल ले गए, उनको ऐसे रेडियो के सामने कर लिया तो ये रेडियो को बड़े बहुत तवज्जो से रेडियो सुनने लगे। तो दो आवाज़ें उनके कान में आई, एक तरफ अजान की आई, एक तरफ तो रेडियो का ही हीरा भाई बड़ोदकर और रसूलन भाई की ठुमरी सुन लिया उन्हें पहले ही दिन और अजान भी सुन लिया। अब उनके दिमाग में सब रज बस गया उनके मिजाज में। देखिए, पैदाइश मेरी ऐसे वक्त हुई जबकि दुनिया एक बहरान से गुज़र चुकी थी और एक नए बहरान की तरफ जा रही थी। मेरी दुनिया यानी दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो चुकी थी और आज़ादी एक तरफ और पार्टीशन दूसरी तरफ। पहली बार तो तुमको ये बता दें कि सैयदैन का नाम कुछ ऐसा है कि जैसे आफ्ताब की किरणों को आप समेट लें, समंदर की लहरों को गिनना, आफ्ताब की किरणों को पाना, महबूब की अदाओं तक पहुंचना और सैयदैन को समझना बराबर। पूरी शख्सियत जो है और आज भी वो मोरपंखी है, उसके अंदर करोड़ों रंग हैं और हर रंग में एक अबदी ताजगी, एक अबदी चमक, एक अबदी दमक है। एक तरफ इंतहा से ज़्यादा शोक है लेकिन दूसरी तरफ इंतहाई महजब है। एक तरफ वो घर के हर फर्द का मजाक उड़ाता है लेकिन लाइन ऑफ डिमार्केशन खींचना जानता है कि बदतहजीबी में और तमीज़ में फ़र्क क्या है। एक दिन मैं फिज़िक्स के क्लास में बैठा हुआ था, मास्टर फिज़िक्स पढ़ा रहे थे तो ये एकदम से हमारे अपने क्लास से निकले गुजरे हमारी तरफ से, तो मास्टर से बोले, सर कैन आई स्पीक टू नासिर, कनो नो यू आर डिस्टर्बिंग हिम, कनो सर प्लीज़। और इतनी सीरियसली उन्होंने कहा, सर प्लीज़, तो उन्होंने कहा ऑल राइट टेक हिम अवे। तो ये ले गए बाहर गए, कहने हमने कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो कहे कुछ नहीं जाओ। बट दैट वॉज हिज आइडिया ऑफ अ जोक। इन्हीं ने इनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, वो एक जगह थी जहाँ एग्ज़ाम्स होते थे, बड़ा सा हॉल था स्पेंस हॉल, उसके अंदर इनका एग्ज़ाम हो रहा था।
तो एकदम से ये मास्टर साहब शर्मा साहब के पास गए, कहा सर प्लीज़ मैं आई गो टू द टॉयलेट। उन्हें कहा जाओ। ये जब किताबों के पास से गुजरे जो कापियाँ थी उस दिन की, उसमें से एक कापी लेके भागे और शर्मा साहब इनके पीछे भाग रहे हैं, रुको रुको रुको। तो ये रुके और प्रिंसिपल के पास ले जाए गए कि भाई ये क्या कर रहे थे तुम, कॉपी कर रहे थे? कहा नहीं सर बिल्कुल नहीं। कहते व्हाट वर यू डूइंग? कहा आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट सस्पेंस। प्रिंसिपल हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ही सेड ऑल राइट गो। इस तरह की चीज़ें किया करते थे। अब मसलन फिज़िक्स में हमेशा लुढ़क गए, फिज़िक्स नहीं समझ में आई, तो इम्तिहान से पहले एक टेस्ट होता था कि भाई ये इम्तिहान में स्कूल के ग्रेड्स को कमज़ोर ना कर दे ये लड़का, इसको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। तो वहाँ उन्होंने एक सवाल था न्यूटन्स लॉस के ऊपर, 1, 2, 3, 4। अब मुझे एक एक भी नहीं याद था, तो मैंने क्या किया कि उस पर लिखा, ऑन एवरी थिंग दैट न्यूटन सॉ ही ऑलवेज मेड सम स्टूपिड लॉ, दिस लाइन इज बेंट दैट लाइन इज स्ट्रेट, व्हेन बॉडीज सिंक दे लूज देयर वेट, डज एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, द टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय मेन, इन ब्रीफ ऑन एवरी थिंग ही लुक्ड, अ न्यू एंड टीडियस लॉ ही कुक्ड। ये साहब मैंने कॉपी में लिख के और पेश कर दिया। मिस्टर लॉ थे टीचर फिजिक्स के, नंबर आए। उन्होंने साहब कहा कि यू आर फिट टू बी अ मोची, यू आर फिट टू बी अ कॉबलर। और इस तरह की डांटें मिलती थी कि ये अगर आप करेंगे, लेकिन उन्होंने 100 में 10 नंबर दिए शायरी के। तो इस तरह की शरारतें बहुत सी थी। शर्मा जी हमारे हिंदी के टीचर बहुत आजीद रहते थे, लेकिन साहब ऐसा अच्छा स्कूल था कि मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा स्कूल दुनिया में नहीं जितना कि लामार्टिनियर हमारे ज़माने में था। मेरी पहली इब्तदाई परवरिश मुस्तफ़ाबाद में ही हुई, और उर्दू का अगर कोई ज़रा सा भी मेरे अंदर असर है तो वो सब मुझे मुस्तफ़ाबाद से ही इब्तदा में मिला। मुस्तफ़ाबाद, सईद नकवी का आबाई वतन, जहां जिगर मुरादाबादी और मीर अनीस के पोते दूल्हा साहब उरूज जैसे बहुत से मुमताज शुअरा और उदबा जमा होते थे और शेर व शायरी की महफिलें आरास्ता होती थीं। मुहर्रम के मौके पर मरसिया खानी और सोस खानी हुआ करती थी। मीर अनीस और मीर नफीस के मरसिए पढ़े जाते थे। बस्ती जो थी वो पूरा अवध का इलाका डिवाइडेड था। कुछ लोग दबीर को पसंद करते थे, मिर्ज़ा दबीर को, और कुछ अनीस। अनीस का जवाब नहीं था। उर्दू की शायरी में अगर 3-4 बड़े शायरों के नाम गिने जाएं तो अनीस का नाम उसमें आएगा। वो अगर मेरे नाना होते तो वो कहते कि अनीस तो खुदाए सुखन है। ख़ास तौर से मुहर्रम में सब इकट्ठा ज़रूर होते थे, पूरा ख़ानदान मुहर्रम में, और उसमें मीर अनीस का मरसिया पढ़ा जाता था। हर शख्स मीर अनीस का, हमारे हम पढ़ते, हमारे वालिद पढ़ते, हमारे घर में सब पढ़ते थे। तो उस माहौल में इन्होंने मीर अनीस के मरसिए के ऊपर अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया मीर अनीस का, और मीर अनीस भी इनके जहन में रज बस गया है। जोश करबला, वाकया करबला को इतनी ट्रेजेडी तो है, लेकिन वो एक सेलिब्रेशन का मौका भी बनाते हैं। वहाँ पे अगर आप जोश का ये नज़्म के ये टुकड़े सुनिए तो ऐसा लगता है जैसे कि एक कॉकटेल पार्टी है जिसमें लोग एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। झूम कर तूने शहादत का पिया जिस वक्त जाम, दौरे हाजिर ने मोहम्मद को जी किया झुक कर सलाम, और मुस्तफ़ा की कश्ती नाजिश को खेने के लिए अम्बिया आए मुबारकबाद देने के लिए। प्रॉफिट इब्तिदा से ही उर्दू जुबान व अदब और हिंदुस्तानी मौसीकी से इस खानदान की गहरी वाबस्तगी रही है। इसी माहौल में सईद नकवी की तरबियत हुई। उर्दू शेर व शायरी और मौसीकी से उनकी गैर मामूली दिलचस्पी इसी माहौल की देन है। Yeah.
اب آج کل پھر ان کو یہ شوق ہوا ہے اردو کا جو کہ میں پڑھنے کا بھی پہلے تو شروع میں تو ظاہر ہے پڑھنا بھی مشکل ہوتا تھا اردو کا ان لوگوں کے لیے کیونکہ یہ پڑھے ہوئے ہیں انگریزی اسکول کے لکھنؤ میں لا مارٹینئر سے اب پھر وہاں سے لا مارٹینئر پاس کر کے آئے تو علی گڑھ پہنچے لیکن علی گڑھ میں کچھ ایسی ان کو پابندیاں سی نظر آئیں جیسے ان کو پوری آزادی نہیں مل رہی تھی علی گڑھ میں اس لیے چند ہفتے رہنے کے بعد یہ گھبرا گئے کہ یہاں تو بڑے ریسٹرکشنس ہیں یہ میرے بس میں نہیں ہے وہاں صاحب ایک صاحب آئے صبح میکڈونلڈ ہاسٹل میں میں تھا ایک کمرے میں تین آئے جمعے کے دن کہ السلام علیکم میں نے کہا وعلیکم السلام کہنے لگے چلیے صاحب نماز کے لیے تو آج تک میرے اوپر میرے گھر میں مسجد تھی لیکن کبھی یہ زبردستی نہیں ہوئی تھی کہ نماز کے لیے جائیں کبھی کبھی جاتے تھے ہم لوگ نماز پڑھنے کبھی کبھی ہم لوگ وہاں جا کے اذان دیا کرتے تھے مجلس میں تاکہ ہمارے نانا دادا ہم کو انعام دیتے تھے کہ بھائی اس نے آج اذان دی تو یہ بھی کیا یعنی مذہب لا مذہبیت نہیں تھی لیکن کوئی کمپلشن نہیں تھا کہ آپ نماز ضرور پڑھیں یہ کہ ایک ایٹموسفیئر یہ پوری ایک بلیف یہ تھی کہ ہر مذہب ایک کلچر ایگزیوٹ کرتا ہے چاہے وہ آپ کا مذہب ہو اور چاہے وہ میرا اور اس کلچر سے ہم سب فیضیاب ہوتے ہیں چاہے وہ آپ ہندو کا کلچر ہو چاہے میرے مسلمان کا کلچر ہو اور آخر میں دونوں میں ایک جا کے ملن ہوتا ہے جس کو کہ ہم کمپوزٹ کلچر کہتے ہیں یہ تھا لیکن وہاں علی گڑھ میں جب ان کا السلام علیکم صاحب نماز پڑھنے چلیے تو صاحب یقین نہیں ہوگا کہ 20 دن میں صرف طالب علم رہا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا میں نے صندوقچہ اپنا بند کیا 160 روپے کوشن منی بہت ہوتے تھے میاں ان دنوں میں وہ چھوڑ چھاڑ کے میں دلی آ گیا باپ کو بتائے بغیر تو ہماری خالہ یہاں ہوا کرتی تھیں انہوں نے مجھے ڈاکٹر اشرف سے ملایا کہ یہ لڑکا علی گڑھ سے بھاگ کے آیا ہے یہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشنز بند ہو گئے اب کیا کریں تو ڈاکٹر اشرف نے وہ ان دنوں میں کروڑی مل کالج میں پڑھایا کرتے تھے ہسٹری انہوں نے مجھے وہاں ایڈمیشن دلا دیا تھا ان کے دوست ہیں یہ امیتابھ بچن اور وی ایم بڈولا اس طرح کے ان کا دلی کا گروپ تھا کروڑی مل کالج میں ایک اور صاحب تھے جن کا نام تھا امیتابھ بچن اور سوائے اچھا امیتابھ بچن سے بڑی دوستی ہو گئی وہ ان دنوں میں پری میڈ کر رہے تھے کوئی ڈاکٹر وغیرہ بننے کا شوق تھا اور وہ ان کے خیر قصے الگ وہ جناب بسیں بدل کے جایا کرتے تھے وہ رہا کرتے تھے ویلنگٹن کریسنٹ میں لیکن بس بدلتے تھے کیونکہ ایک لڑکی تھی اس آئے اس کی میرانڈا ہاؤس میں وہ ان کو بہت پسند تھی تو اس کو دیکھنے کے لیے وہ باقاعدہ جاتے تھے میرانڈا ہاؤس بس اسٹاپ سے بس پکڑتے تھے اور پھر اپنے گھر جاتے تھے زندگی گزر گئی انہوں نے اس سے بحالوں تک نہیں کی جب اس لڑکی سے میری ملاقات ہوئی تو میں اس کی شکل دیکھتا رہا میں نے کہا اس کو یہ معلوم بھی نہیں بیچاری کو کہ اس دور کا سب سے بڑا سٹار جو ہے وہ سال بھر اس نے بسیں بدلیں صرف اس کی شکل دیکھنے کے لیے چھوٹی خالہ بہت دلار کرتی تھی چھوٹی خالے کے گود میں پلے بڑھے بہت سیکھا انہوں نے چھوٹی خالہ سے تو وہ اپنے دلار میں کہتی تھی کہ میں اپنے بھیا کو اپنے بیٹے کو ڈپٹی کلکٹر بناؤں گی وکیل بناؤں گی نہیں میں نہیں بنوں گا میں ڈپٹی کلکٹر وکیل نہیں بنوں گا کیوں بھائی نہ میں کالا کوٹ پہن کے یا بو لگا کے اور یہ سب یہ میں نہیں کروں گا اچھا تم پھر ڈپٹی کلکٹر میں ڈپٹی کلکٹر وہاں کرسی پہ بیٹھ جاؤں ڈپٹی کلکٹر بیٹھا ہوا میں نہیں بنوں گا اچھا پھر تم کو بنائیں گے جج ہائی کورٹ کا نہیں میں سوٹ پہن کے وہاں جج نہیں بنوں گا مجھے نہیں اچھا لگتا جج وج بننا پھر تم کیا بنو گے آخر بتاؤ تو میں جرنلسٹ بنوں گا تم جب میں مجھے اسٹیٹسمن کناٹ پلیس میں دفتر ہوا کرتا تھا اسٹیٹسمن کا وہاں پہ ایڈیٹر ان دنوں میں تھے رچرڈ کراسلن انگریز تھے انگریز تو ان سے انٹرویو طے ہوا اور میں صاحب باپ نے ایک کالی اچکن علی گڑھ کے لیے اور ایک ڈارک سوٹ اب ڈارک سوٹ گرمیوں میں پہن کے کیسے جاؤں
तो एक मेरे बाद में मेरे हमजुल्फ हुए वो सत्येंद्र नंदन साहब, उनका मैंने सूट बोरो किया। वो बोरो करके मैं साहब एडिटर साहब से मिलने गया और मेरे दिमाग में ये है कि अब ये मुझसे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में या कोई अदबियात के बारे में मुझसे कुछ पूछेंगे। बड़ा सस्पेंस दिमाग में लेके मैं दरवाज़ा मैंने खोला, अंदर गया तो वो पाँव उनके मेज़ के ऊपर थे यूँ और वो सिगार पी रहे थे और बड़े मोटे मोटे चश्मे, यूँ उन्होंने मुझे देखा और फिर मुझको इशारा करके पाँव नीचे कर लिए अपने और कहा कि बैठे। फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि आपने कुछ लिखा है? मैंने कहा मैंने हाँ लिखा है। क्या लिखा है? मैंने कहा मैंने बहुत शायरी लिखी है। तो वो मुझे यूँ देखने लगे कि ये कौन बेवकूफ़ लड़का है, ये समझता है कि शायरी से जर्नलिस्ट हो जाता है। चलिए साहब, कहने लगे, मुझे ले गए वहाँ पे। उन दिनों में न्यू दिल्ली नोटबुक हुआ करती थी एक चीज़, न्यू दिल्ली नोटबुक में एडिटर खुद लिखा करता था, लोगों से लिखवाता था, एडिट खुद करता था वो। उन्होंने कहा कि ये देखा आपने? मैंने कहा देखा। कहने लगे आप बैठ के यहाँ 400 लफ्ज लिखिए। मैंने कहा किस सब्जेक्ट पे? ये अब गुफ्तगू अंग्रेज़ी में हो रही है, जाहिर वो अंग्रेज़ थे। कैन यू राइट 400 वर्ड्स? आई सेड इंडीड, ऑन व्हाट? ही सेड ऑन मैंगोज, आम के ऊपर। अरे मैंने कहाँ जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, कहाँ इंटरनेशनल अफेयर्स और कहाँ दिमाग में फतूर लिए हुए लौंडा गया था नौजवानी में। आम मैंगो, इत्तेफाक की बात देखिए कि उस इलाके में आम ही आम है। तो आम के जितने नाम दुनिया में हो सकते थे वो 400 अल्फाज में मैंने ठूंस दिए, और दो तीन लतीफ़े गालिब के और इनके उनके वो साहब। उसके बाद एक ख़त आया मेरे पास, ख़त आज तक मुझे पूरा ए टू जेड याद है। क्या था? डियर मिस्टर नकवी, ऑल्दो वी कैनॉट गारंटी यू एम्प्लॉयमेंट एट द मोमेंट, द ट्रेनिंग यू विल हैव रिसीव्ड हियर विल स्टैंड यू इन गुड स्टेड इन फाइंडिंग वर्क एल्सवेयर। इन द मीन टाइम, एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड वी डू नॉट गारंटी यू एम्प्लॉयमेंट, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड वी शैल गिव यू अ पॉकेट मनी ऑफ 300 रुपीज अ मंथ। समझे आप, 300 रुपए आजकल बगैर सीखे लाखों रुपए लड़के ले रहे हैं भैया, 300 रुपए महीना पॉकेट मनी। चलिए साहब, मैं समझा कि मैं एक दोस्त के पास गया, हिंदुस्तान टाइम्स का दफ्तर वहीं पास था। मैंने कहा ये 300 रुपए, एयर इंडिया वाले तो 700 रुपए दे रहे हैं। कल के बेवकूफ़ आदमी, यू आर ऑन टू द बेस्ट न्यूज़पेपर जॉब इन द वर्ल्ड। उन दिनों में टाइम्स लंदन में नौकरी मिल सकती थी, स्टेट्समैन में मिलना मुश्किल थी। साहब मैंने वो नौकरी की, मैं बहुत ही जल्दी प्रमोट हो गया, प्रमोट ऊपर गया, फिर उतारा गया, फिर क्या कुछ मैंने नहीं किया। दौरान मुलाजमत वो मुख्तलिफ नशीब व फराज से भी गुजरे, लेकिन अपनी इनफरादियत को हमेशा कायम रखा। स्टेट्समैन से अलहदगी के बाद जुनूबी हिंद में इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर मुकर्रर हुए। फिर शौक हमेशा ये था कि मैं कुछ बाहर जाके करूं। बहुत जल्दी उन लोगों ने मुझे विलायत भेज दिया, विलायत भेज दिया तो ट्रेनिंग के लिए एक कोर्स हुआ करता था कार्डिफ में, अब भी है शायद। और वहाँ से मैं जनाब कूद फान के जाकर लॉर्ड थॉमसन से मिल लिया। लॉर्ड थॉमसन टाइम्स लंदन के ओनर थे, उन्होंने साहब हैरी एवंस को टेलीफोन किया और मुझे संडे टाइम्स में नौकरी मिल गई। संडे टाइम्स लंदन में मैं काम करने लगा। अब यहाँ लोग परेशान कि साला गया था ट्रेनिंग करने के लिए, अब देखो वहाँ तो बैठ गया ही। खैर फिर बीवी हमारी आ गई वहाँ, और साल भर के बाद, डेढ़ साल के बाद ये हुआ कि अब घर चले। कभी ये बाहर बस जाने का, कभी जीन, घर से बड़ी बहुत प्यार था। He's a very cheerful, positive person,
very optimistic. He doesn't let things get him down. You know, even if something disturbing happens in the household, you know, it takes no time for him to solve the problem and to get the smile back on his face. कुछ लोग हैं जो घर पे बैठना बड़े सीरियस सीनियर वरिष्ठ पत्रकार बहुत लोग कमेंट्री अपने घर में बैठे या अपने दफ्तर पे बंद करके लिखते हैं और सईद नकवी कभी इस किस्म के जर्नलिस्ट नहीं रहे उनको घूमना है खुद देखना है खुद लोगों से मिलना है और खुद अपने निष्कर्ष तक पहुंचना है और ख़ास तौर पे उनके एक हमेशा एक नया नुक्ते नज़र से सब कुछ देखते हैं ताकि जब आप उनकी बातें पढ़ते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि शायद ये हाँ शायद ये भी है यानी वो सीधा नहीं जाएगा कहीं घूम के जाएगा और नया पॉइंट निकाल देंगे इंडियन एक्सप्रेस के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब रुख किया और एक मुतवाजन और संजीदा सहाफत को परवान चढ़ाने में अहम रोल अदा किया सईद नकवी पहले शख्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिपोर्ट के ज़रिए जितने भी ममालिक हैं जो बड़े इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं दुनिया के उनके जो हेड्स हैं चाहे वो कोई राष्ट्रपति हो कोई प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो बड़ा नेता हो ये सईद नकवी हैं जो सबसे पहले उनके इंटरव्यूज़ हम तक लाए चाहे वो बड़े नेता हों या सोमालिया में जैसे एक सिविल वॉर के हालात पैदा हो गए तो जो वॉर लॉर्ड्स हैं वहाँ के सईद नकवी थे जो वहाँ पर गए और वहाँ से इंटरव्यू करके लाए और हमें दिखाया सबसे पहले या इराक में जो जब दिक्कतें पैदा होनी शुरू हुई तब सईद नकवी ही सबसे पहले वहाँ गए और वहाँ से इंटरव्यूज़ करके वहाँ का जायज़ा हम तक उन्होंने पहुँचाया ये न्यूज़ चैनल्स बहुत बाद में आए हैं बहुत से लोग बहुत बाद में आए हैं जो जिन्होंने दुनिया की तस्वीर हिंदुस्तान तक पहुँचाने की कोशिश की है शुरुआत करने वाले सईद नकवी हैं टेलीविज़न के ज़रिए भी जब ये खुद वर्ल्ड रिपोर्ट के ज़रिए नहीं बनाते थे तब दूरदर्शन वाले उनसे रिक्वेस्ट किया करते थे कहा करते थे कि आप जाकर करिए हमारे लिए और अपनी जो तहरीरें हैं जो इनका आर्टिकल्स हैं लेखन हैं एडिटोरियल्स हैं किताबें हैं उनके ज़रिए भी सईद नकवी ने दुनिया की खिड़की जो है हिंदुस्तान को एक खिड़की दी कि हम उससे दुनिया को देख सकें सईद नकवी ने आलमी और बैन अल-अक़वामी सतह के नामवर और जलील उल कद्र रहनुमाओं से मुलाकात की और उनके इंटरव्यूज़ भी किए साथ ही उन्होंने अपनी ग्रां कद्र तहरीरों और टेलीविज़न के लिए तख्लीकी प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों के दिलो दिमाग पर अनमिट नकोश सब्त कर दिए अब एक गाना सुना दूं अपना महबूब तो वो है जो अदा रखता हो अपना मैं ये है मेरे अंदर कोई आप लोग बता सकते हैं कि मेरे अंदर खूबी क्या अपना महबूब तो वो है जो अदा रखता हो तो ये अदाएं ऐसी थी कि वो गए जनरल परवेज मुशर्रफ से हमारे सदर से और बहुत देर की इनकी गुफ्तगू हुई परवेज मुशर्रफ जब निकले तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से लोगों से मुलाकातें की हैं लेकिन सईद नकवी ही इज़ रियली वेरी रिमार्केबल पर्सन ही इज़ ए जीनियस इन हिज ओन राइट एंड एट द सेम टाइम ही इज़ ए रिमार्केबल पर्सन कम्युनल प्रॉब्लम पर खासे आर्टिकल उस ज़माने में जिस ज़माने में सब हंगामे होते हैं हुए हैं उस ज़माने में बाबरी मस्जिद हो या दूसरे वाक़ात जितने भी हैं इस पर बहुत लिखा है दूसरे जो एक सिंक्रेटिक कल्चर एक मिला जुला कल्चर जो पैदा हो रहा था अवध में और हिंदुस्तान में पूरे में शुमाली हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर और अवध में उस पर बहुत दिलचस्प किस्म के मज़ामीन अच्छे मज़ामीन अभी रायट्स जब हुए गुजरात में तो उसमें फैयाज खान की कब्र इन लोगों ने जाके खोद दी अब मैंने कहा इन कमबख्तों को ये नहीं मालूम कि राग परज में मनमोहन ब्रज के रसिया जो कि भगवान कृष्ण के बारे में है फैयाज खां से ज़्यादा खूबसूरत किसी ने नहीं गाया इन अहमदाबाद में एक कब्र थी पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने वो थी वली दखनी की अपना आतंकी आए उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि साहब एक मुसलमान की कब्र थी इन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम था कि ये वो शायर है जो कि जो इस तरह सूरत के ऊपर उससे अच्छा किसी ने लिखा नहीं
احمد آباد کے بارے میں اس سے خوبصورت نظمیں کسی نے لکھی نہیں. اور شاعر کیسا ہے, کہتا ہے کہ کوچہ یار عین کاشی ہے, میرے یار کا کوچہ جو ہے وہ کاشی جیسی پوتر نگری جیسا ہے. کوچہ یار عین کاشی ہے, جوگیا دل وہاں کا باسی ہے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں. تو یہ لوگ انہوں ان کا جو یہ میں دیکھتا ہوں یہ کمیونلزم وغیرہ, اس کی بنیاد میں جہالت اور پھر پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن, ورنہ نفرتیں وغیرہ نہیں ہیں, یہ میرا یقین ہے. اور میوزیشن میں تو بالکل ہی نہیں ہوتا, وہ میوزک واقعی میں ٹرانسینڈ کرتی ہے. سعید نقوی صاحب ایک مستند آواز رکھتے ہیں, اور جن مسائل کی طرف آپ نے ذکر کیا ان پر ان کی رائے خاص خصوصی طور سے مستند ہیں. انہوں نے ہمیشہ اقدار کی فہم کی ہے, اقداری کی ہے, اور جو فرسودہ روایات ہیں ان فرسودہ روایت کے خلاف آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ روایات اہل حنود میں ہوں چاہے وہ مسلمان میں ہوں. ایک طریقے سے لبرل اور انلائٹنڈ جو پرسپیکٹیو ہے, جو نظریہ ہے, اس کو آگے لگانے کی کوشش کی ہے. توڑ کر بت خانہ مسجد تو بنا کی تو نے شیخ, توڑ کر بت خانہ مسجد تو بنا کی تو نے شیخ, برہمن کے دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کی. یعنی جب تو نے وہ بت خانہ توڑا, وہ مندر توڑا, چلو ہم نے مانا کہ تو نے ایک مسجد کی نیو فاؤنڈیشن ڈال دی, لیکن تو نے کبھی یہ بھی سوچا کہ وہاں ایک پروہت جو پوجا کرتا تھا اس کا دل بھی تو نے توڑا, اس کی ریپیئر کے بارے میں کبھی کچھ سوچا, اس کی تعمیر کے بارے میں کبھی کچھ سوچا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر گناہ معاف ہے, لیکن کسی کا دل توڑنا یہ معاف نہیں.